बदनाम और धार क्राइम ब्रांच को बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी आदित्य प्रताप सिंह और एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में एसडीएपी नीलेश्वरी डावर के मार्गदर्शन में उन त्रिलोक सिंह के बेस की टीम ने दबिश दी है। बता दें कि कनावन थाना अंतर्गत ग्राम जलोद खेत सट्टा खेला जा रहा था, वही भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लाखों का सट्टा खेला जा रहा है। इस दौरान ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और चार पहिया वाहन, लैपटॉप, एलईडी टीवी सहित नकदी हिसाब किताब बरामद किया है। वही धार टीम ने सट्टे के चार बुकियों को भी पकड़ा है। धार जिले में सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार अवैध सट्टे जुओं के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में कल रात को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जरोद खेता में अंकित मकवाना के घर पर तीन चार लोग बैठ के अवैध रूप से क्रिकेट सट्टा खिला रहे हैं। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ संयुक्त टीम बनाकर थाना कानून की टीम ने और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से वहाँ पर गठित करके दबिश दी और दबिश देने पर वहाँ पर चार आरोपी सौरभ जैन, पिता प्रदीप जैन निवासी राजगढ़, अयोध्या दास बैरागी पिता ओम प्रकाश निवासी राजगढ़, विवेक वैष्णव बैरागी निवासी मांगोद अमझेरा, अंतिम मकवाना निवासी जरूर खेता। लैपटॉप्स, कार और नकद 11,000 रुपये इनसे जब्त किए गएंगे और इनके विरुद्ध धारा आईटी एक्ट में और धारा 465 अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इन ऐसा हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के किसी अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।